ओम नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, काफी लोगों द्वारा पूछा जा रहा है काफी दिनों से, और इसीलिए हम बना रहे हैं। जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि आप कमेंट में लिख के हमसे पूछा करें कि किस विषय पे बनाना है, क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि काफी लोगों ने बोला है कि वह किराए पे रहते हैं, अपना घर नहीं है, और वे चाहते हैं कि अपना घर हो ताकि किराए से भी बचे और अपना घर की जो बात होती है वह अलग ही होती है। इसलिए कैसे 2020 साल जो आने वाला है, नए साल में आप कैसे अपना घर बनाए, इस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। इसी पे आपको उपाय उपाय बताएंगे, तो आपसे अनुरोध है पूरा उपाय देखिएगा। इसमें दो यंत्र भी बनाने सिखाएंगे आपको हम, और इसी में हम आपको अन्य जानकारी भी देंगे कि आप क्या क्या करना है आपको साथ में। तो वीडियो पूरा देखते रहिए और समझिए कि आपको क्या क्या करना है। यंत्र बनाने के बाद भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी, तो आपको करना क्या है आप देखते रहिए, बस चैनल के साथ जुड़िए। अब आप देखेंगे, आपको पहले एक लकीर ऐसे खींचनी है, फिर यूं ऊपर की तरफ, साधारण कागज पे ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ अलग से नहीं लाना है। यदि आप चाहते हैं अलग से, तो आप भोजपत्र ला सकते हैं, भोजपत्र पे बना सकते हैं आप, वरना साधारण कागज पे भी आप इसको बना सकते हैं। काली कलम से बनाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना है कागज का, कागज साफ सुथरा हो, कहीं से फटा ना हो, मैला कुचैला ना हो, पुराना ना हो, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। ये घर बनाने के संदर्भ में वीडियो बनाया जा रहा है। जब आप ये बना लेंगे, देख लीजिए बहुत आसान है ये, आपको सिर्फ एक ही नहीं करनी है, आप इसको दो लाइनें बनाएंगे, यानी कि आप दूसरे रंग की कलम से बनाएंगे, लाल रंग, नीला रंग या हरा रंग, कौन सा रंग आप लेना चाहें, और आपको अंदर से करनी है। पहले आपने जो बनाई है वो बाहर वाली है, अब अंदर की तरफ से आपको इसी के ऊपर ऊपर कर देनी है। ये उपाय आप करेंगे सोमवार के दिन सुबह 5 बजे से 9:30 के बीच में आप इसको करेंगे, यंत्र को बनाएंगे। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, आप अपने घर के लिए आप बना सकें। इससे फायदा क्या होगा, धन लाभ इतना भी शुरू होने लगेगा आपको कि आप घर भी बना सकेंगे और अन्य चीजों में भी जो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, वह भी आपको धन लाभ होने लगेगा। अब क्या करना है आपको, ये जब आप बना लेंगे, इसके बाद आपको अंदर तिकोना बनाना है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और तिकोना आप ऐसे बनाएंगे। और फिर यहां लिखेंगे आप चार, ये चार इधर आपको आकृति बनानी है, और फिर नीचे इधर इसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, चार के नीचे पांच होना आवश्यक है, ये लिखना है आपको। और फिर आप अंदर इसको भी अंदर से ही लाल कलम से या किसी भी दूसरी कलम से ऐसे बनाएंगे। चार और पांच को ऐसे ही रखना है, काली कलम से ही रखना है, इसको नहीं बदलना है, इस बात का ध्यान आपको रखना है।
फिर आपको क्या करना है, इसको बनाने के बाद, इसके बनाने के बाद आपको एक यंत्र और बनाना होगा, और वह यंत्र आप इसी के अंदर बनाएंगे। ये जो आप जो आपने बनाया है यंत्र, ये जो खाली जगह हमने छोड़ी है, इसी के अंदर आपको बनाना है वह यंत्र। इसके अंदर आप चकोर बनाएंगे और इस चकोर को आप बांट देंगे। अब इसके अंदर आपको लिखना है जैसे जैसे हम बताएंगे, इधर लिखना है आपको लाल कलम से ही 86 96 2 8 7 3 95 92, इधर फिर 96 91 9 1, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे आप 6, यहाँ लिखेंगे आप 9, यहाँ लिखेंगे आप 64। नजदीक से भी देख लीजिएगा आप, ये यंत्र कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर इस यंत्र का आपको करना क्या है, इस यंत्र को आपको अपने घर जहाँ आप रहते हैं अभी वहां पर इसको स्थापित करना है, यानी कि अपने घर के मंदिर में रखना है। घर में मंदिर बना रखा है तो घर के मंदिर में रखेंगे, यदि आपने घर में मंदिर नहीं बना रखा है तो इसको किसी साफ सुथरी जगह पे घर में ही रखेंगे, और लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में इसको रखेंगे। और जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उसके आगे दीप जलाना जरूरी है। जी हाँ, एक दिया जलाना जरूरी है, चाहे आप घी का जलाएं या तेल का जलाएं, जैसा मर्जी आप इसके आगे जरूर जलाएंगे और मन्नत मांगेंगे इसी यंत्र से के सामने बैठ के, कि इस साल यानी कि जो 2020 साल है जो आने वाला है, इसमें जल्द से जल्द आप इतनी तरक्की करें कि आप अपना घर बनाने में सक्षम हो सकें। और साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा था कि कुछ और बातें भी बताएंगे, उसमें आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, आप महीने में कम से कम 3 बार, तो ज्यादा बार कर सकते हैं तो ज्यादा बार भी कर सकते हैं, आपको चींटियों को आटा खिलाना है। जी हाँ, जो चींटियाँ होती हैं, चींटियों को आपको आटा खिलाना है। चींटियाँ कहीं भी दिख जाती हैं, किसी भी पार्कों में जाते हैं वहां पे आपको दिख जाएंगी चींटियाँ, वहां पे घर बने होते हैं चींटियों के, आप वहां पे आटा खिलाकर आएंगे। और फिर जो आपका बटुआ होता है जहां पे आप पैसे रखते हैं, नोट रखते हैं, उस बटुए में कोई सा भी एक नोट आप तिकोना करके रखेंगे। जैसे तिकोना बनाया है आपने, ऐसे ही एक तिकोना करके आप कोई भी एक नोट, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, कोई भी एक नोट आप हमेशा, इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा के लिए उस नोट को तिकोना रखेंगे, तिकोना करके रखा करेंगे। इसका भी आपको ध्यान रखना है इस बात का। और एक और बात, और महीने में एक बार आप किसी गौशाला में जाके गाय को हरा साग, कोई हरी सब्जी खिला दिया करें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गौ सेवा करना भी अनिवार्य है जब आप घर बनाना की सोच रहे हैं तो, और जब आप घर बन जाएगा, घर स्थापित हो जाएगा, तब भी आप एक अलग नया यंत्र बनाएंगे ऐसा ही, और उसको स्थापित करेंगे घर के मंदिर में। जो भी आप घर में मंदिर बनाएंगे उसमें ये नया वाला बनाएंगे आप, और जो पुराना होगा उस पुराने को आप किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइएगा और धन्यवाद कीजिएगा ऊपर वाले का, ईश्वर का, कि आपने घर बनाने में हमारी मदद करी। तो बंधुओं, ये उपाय करके देखिए, ये उपाय बहुत लोगों ने किया हुआ है पहले भी, कईयों को इसमें सफलता मिली है, कईयों को सफलता इस बार 2020 में मिल जाएगी। तो आप भी करके करते रहिएगा, और हम आशा यही करेंगे कि आपको भी इसमें लाभ मिलेगा। जैसा कि हमने कहा कि कागज कोई सा भी हो, भोजपत्र पे बनाना चाहें भोजपत्र पे भी बनाइए ताकि वे ज़्यादा टिके, ज़्यादा चले। साधारण कागज़ पे भी बनाएंगे तो आप कपड़े के नीचे रख के उसको स्थापित करिए घर में। तो बंधु, यहाँ तक वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी विषय पे या अन्य समस्याओं पे भी उपाय बनाते रहेंगे, आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें, और चैनल को
लाइक माफ कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।